बच्चों को खासकर जो इंटरमीडिएट में इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और खासकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं वह अपने जीवन के हर मुकाम एजुकेशन सेंटर पे इंटरमीडिएट का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें खासकर प्लस टू के सारे बच्चे पार्टिसिपेट हुए। साथ ही साथ हमारे नॉलेज पॉइंट परिवार के जितने भी शिक्षकगण थे सब उपस्थित थे और आज मुझे बहुत ही अपने आप में फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि COVID-19 इतने बड़ी महामारी के बावजूद भी हमारे सभी शिक्षक एक साथ होकर और कठिन परिश्रम कठिन मेहनत करके और सभी बच्चों का कोर्स कंप्लीट किया जिससे कि बच्चों में भी उत्साह भरी खुशी है और हम भी खासकर खुश हैं क्योंकि हम खासकर उन सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ मिलकर हमारे संस्था को प्रति उन्होंने अपना समर्पण भाव अर्पित किया और पुनः एक बार सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल भरा दौर रहा है कोरोना काल से लेकर के यह स्ट्रेंथ है जिसमें आप ज्यादा मजबूत हैं। अदर टॉपिक पर जाइएगा तो जो आपका बेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है क्योंकि जो आपका बेस्ट मजबूत पोजीशन है आपके सिलेबस में चाहे वो केमिस्ट्री हो बायो हो मैथमेटिक्स हो हिंदी हो इंग्लिश हो दुगने क्वेश्चन तो उसके भी आएंगे जो आपका बेस्ट है। ठीक है तो अपने माइंड को बहुत ही स्थिर करके और वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा जो आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। बस इतना ही हम कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत पहुंच सकते हो जिससे जीविका उपार्जन किया जा सके। जीविका उपार्जन करने के लिए आपको स्टडी का एक माध्यम मिलता है जिसके जरिए आप उस रास्ते से उस पद तक पहुंच पाते हो जो आपको अच्छी सैलरी दिलवा देता है। उसके लिए प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होती है। एग्जाम्स के बारे में आपको समझाया हम उन चीजों को थोड़ा सा साइड रखते हुए प्रॉपरली हमें